जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिनकी फैमिली को कत्ल किया गया है, ये उनके भाई हैं और ये सामने उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, उनकी वालदा, उनके बच्चे बैठे हुए हैं। ये तमाम यहाँ पे लोग हैं जहाँ पे गुलिस्ताना चौक ब्लॉक 14 के अंदर जो है 14-15 के अतराफ़ में ये बलोच आइसक्रीम और ये रेड एप्पल के अतराफ़ कत्ल हुआ है। यहाँ पे दो लोग बाइक पर मौजूद थे, वो आए ये अपनी फैमिली के साथ, ये थे भाई साहब अंदर बैठे हुए गाड़ी में खाना खा रहे थे, तो इनको छीना झपटी के बाद जो है इनका कत्ल कर दिया गया, इनके सर पे गोली मारी गई है। तो बस ये है कि तमाम लोगों से गुजारिश है कि इनके इंसाफ के लिए, हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज किसी और के साथ हुआ है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है। तो हमें शहर को, अपने तमाम लोगों को लावारिस नहीं छोड़ना है, हमारा हक़ बनता है, ये हमारा फ़र्ज भी है बींग अ मुस्लिम और बींग अ पाकिस्तानी और शहरी होने के नाते, कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें और आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि एक ना एक दिन हमें अल्लाह ताला को जान देनी और अल्लाह को जवाब देना है। और हम अपने सामने अगर कुछ भी गलत होता हुआ देखें तो उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं, और इसके अंदर चाहे कानून हो, चाहे हमारे तमाम शहरी हो, चाहे कोई भी हो, सबको साथ देना चाहिए। आप ये देख सकते हैं जगह जगह दागों धब्बे जो पड़े हुए हैं, ये इनके खून के धब्बे पड़े हुए हैं यहाँ पर, और ये तो बेचारे एक्सपायर हो गए, और बस ये इनका ये खून बस रायगा ना जाना चाहिए। हमें इनके लिए इंसाफ़ उठाना चाहिए, इनका आवाज़ उठानी चाहिए और इनको इंसाफ़ दिलाएं जितना जल्दी हो सके। बस मैं अगर साथ देना चाह रहा हूँ और मैं अपना एक छोटा सा हिस्सा डाला, तो आप लोगों सबसे गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ अल्लाह का वास्ते अपनी आवाज़ उठाएँ, अपनी आवाज़ को रेज़ करें, बाहर निकलें और अपनी सेफ़्टी रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।